Reaction Reels. Hello guys, welcome to Reaction Reels. This is Seher. आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है एक भारत का जाना पहचाना सिटी. सिटी का नाम है अमृतसर. कल ही ये वीडियो अपलोड हुई है. मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स की ये वीडियो है. जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सिटीज़ पे इनकी वीडियोस होती हैं. इन्होंने वीडियो जो है कल अपलोड की है. तो सो गाइज, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे. तो सो गाइज, चलें, आप भी चलें, मैं भी चलती हूँ. वीडियो स्टार्ट करते हैं. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर. आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पंजाब के हेरिटेज सिटी अमृतसर को. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपने सिटी का नाम चैनल के वीडियो सेक्शन में सर्च करें. और अगर वीडियो अब तक अपलोड नहीं है तो अपने सिटी का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं. तो अब निकलते हैं अमृतसर के एक अमेजिंग वर्चुअल टूर पर. अमृतसर, जिसे ऐतिहासिक रूप से रामदासपुर और बोलचाल की भाषा में अमृतसर के नाम से भी जाना जाता है, ये लुधियाना के बीच भारतीय राज्य पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है. अमृतसर शहर पंजाब के माझा क्षेत्र में 139 स्क्वायर किलोमीटर में बसा है, जो चंडीगढ़ से 215 किलोमीटर, नई दिल्ली से 450 किलोमीटर और भारत पाकिस्तान सीमा से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. अमृतसर पंजाब का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर होने के अलावा राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रोपॉलिटन रीजन भी है, जिसकी आबादी लगभग 20 लाख के करीब है. और सिख धर्म में आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण श्री हर मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के कारण अमृतसर शहर भारत के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक है. यहाँ के सांस्कृतिक विविधता, इसका इतिहास और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और सेवा भावना इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं. अमृतसर पंजाब की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है, जहां डेली लगभग 1 लाख के करीब टूरिस्ट आते हैं. वैसे गोल्डन टेंपल के अलावा अमृतसर अपने इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी मशहूर है, जिसमें जलियांवाला बाग, वाघा बॉर्डर, पार्टीशन म्यूजियम, हेरिटेज वॉक, पंजाब स्टेट वॉर हीरोज मेमोरियल एंड म्यूजियम, महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम, श्री दुर्गियाना मंदिर, मस्जिद खैरुद्दीन और गोविंदगढ़ फोर्ट शामिल है. मौज मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए अमृतसर में मॉल्स और शॉपिंग के लिए भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. साथ ही यहाँ कई लग्जरी होटल्स भी मौजूद हैं, जहाँ आप घूमने फिरने के बाद सुकून से लग्जरी को महसूस कर सकते हैं. अमृतसर में रेनबो वाटर पार्क, साड्डा पिंड और स्मैश जोन जैसे रिक्रिएशनल एरियाज भी हैं, जहाँ आप अपने परिवार के साथ मस्ती कर सकते हैं. अब बात करें अमृतसर की इकोनॉमी की, तो अमृतसर शहर टेक्सटाइल, लेदर, चेसबोर्ड और मेजरली टूरिज्म पर निर्भर है. साथ यहाँ कुछ बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी मौजूद हैं. वैसे अमृतसर को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी पिछले कुछ सालों में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है, जिसने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया है. यहाँ के लोग ज्यादातर पंजाबी भाषा बोलते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट हब होने के कारण अमृतसर में हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है. मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम ज्यादातर समय ठंडा रहता है, लेकिन गर्मी के टाइम थोड़ी गर्मी भी बढ़ जाती है. बात हो खाने की तो गोल्डन टेंपल के स्वादिष्ट लंगर के बाद यहाँ के अमृतसरी कुलचे, छोले भटूरे, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और लस्सी फूड लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. और अगर आप भी इस धार्मिक शहर की आस्था को महसूस करना चाहते हैं तो अमृतसर में रोड, रेल या हवाई जहाज से बड़े ही आसानी से पहुंचा जा सकता है. तो दोस्तों, अगर वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं. और ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें नए नए वीडियोस बनाने की हिम्मत मिलती है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद. सो गाइस, ये थी हमारी वीडियो. वीडियो काफ़ी इन्होंने अच्छी वीडियो बनाई है, 4K सिनेमैटिक वीडियो है.
और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मुझे मिली है। अमृत सर के बारे में मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन अब जो इनकी वीडियो देख के मुझे जो है काफ़ी आइडिया हो गया है कि किस किस वजह से ये जो है ये सिटी फेमस है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो गोल्डन टेम्पल है दुनिया भर में मशहूर है, और ज़्यादातर जो है यहाँ पे जो सिख लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा जो है ये टूरिज़्म के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, ये काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं मोस्टली जो है गोल्डन टेम्पल में भी जो है वो विज़िट करते हैं। काफ़ी व्लॉग्स में भी मैंने देखा है कि वो लोग भी बहुत जाते हैं। अलबत्ता मैं सोची थी जो यहाँ पे जो लंगर किया जाता है, जो काफ़ी बड़ी तादाद में जो लंगर बनाया जाता है, मैं सोची थी मैं उस पर भी एक रिएक्शन वीडियो जो है वो बनाऊँगी। तो फ़िलहाल तो मुझे था कि सिटी की मुझे मिल गई, तो मैंने कहा चलो सिटी में पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी की चीज़ों पर आगे जाके देखा जाएगा। दूसरा बड़ा शहर है ये पंजाब का, और वहाँ का मतलब पाकिस्तानी जो पंजाब है और जो वहाँ पे जो पंजाब है काफ़ी सिमिलरिटीज़ है वहाँ पे, वहाँ के फूड्स में यहाँ के फूड्स में। जैसे उन्होंने बताया मकई की रोटी हो गई और सरसों का साग और लस्सी और चने भटूरे, काफ़ी जो चीज़ें वहाँ की यहाँ से सिमिलर हैं, बहुत सी चीज़ें खाने पीने की। अमृतसर का नाम जो है मोस्टली जो है मूवीज़ वगैरह में सुना है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, आई थिंक इनके आसपास ही होंगे ये सिटीज़, जैसे चंडीगढ़ है, अमृतसर है, मोस्टली पंजाबी मूवीज़ में सुनने को ये मिलते हैं, पंजाबी अक्सर गानों में भी सुनने को इनके जो है नाम सुनने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंट बात जो अमृतसर की है कि ये इंडिया पाकिस्तान के जो है बॉर्डर पे वाकया है, एक तरफ पे लाहौर है और एक तरफ पे अमृतसर है, आई थिंक 28 किलोमीटर्स का दोनों सिटीज़ में जो है डिस्टेंस है। सबसे मज़े की चीज़ जो पंजाब का कल्चर है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं खुद तो पंजाबी तो नहीं हूँ लेकिन ये कि मुझे पंजाब का कल्चर बहुत पसंद है, मुझे पंजाबी भी बहुत पसंद है लेकिन मुझे पंजाबी बोलनी आती नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे जो दस्तकारी वगैरह का काम है और चमड़े वगैरह का काम है, कुसे वगैरह बनाए जा रहे हैं और कपड़े की जो है टेक्सटाइल हैं, और जो टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं, ये मतलब ये सारा जो है इन चीज़ों की वजह से जो अमृतसर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। जो फूड्स इन्होंने बताए हैं जैसे मकई की रोटी थी और सरसों का साग हो गया, लस्सी थी और चने भटूरे थे, और भी बहुत सी चीज़ें थी जो पंजाबी कल्चर से में जो है लोग ज़्यादातर जो है वो पसंद करते हैं। तो इस शहर में अगर विज़िट किया जाए तो ये सब चीज़ें आपको शायद आम मिलेंगी। बहरहाल सिटी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लगी मुझे वीडियो, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।